हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवी और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एन इजी वे ऑफ लर्निंग मैप। फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों को मैप लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, पर मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये लर्न करना बहुत इजी है। अगर मैं जो वे बताऊँगी अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए मैप लर्न करना। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैं वे बताने वाली हूँ आपको उससे हर वीक को 3 डेज एक्चुअली फॉलो करना होगा। मींस आपको एक प्रैक्टिस मैप बनाना होगा, उसके थ्रू आपको 3 डेज एवरी डे आपको उसको मीन गो थ्रू जाना होगा, उसके थ्रू जाना होगा। और जो 3 डेज मैंने आपको बताया है उससे आपको उसको राइट डाउन करना होगा। एक रफ मैप आप ड्रॉ करेंगे और जो मैं वे बताऊंगी उसको फॉलो करेंगे, और एवरी डे आपको मैप का वो देखना है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं कि दमन एंड दादानगर हवेली एंड दमन डीयू हैज़ बीन एक हो चुके हैं, तो इसलिए 8 यूनियन टेरिटरी एंड 28 स्टेट, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको क्लियर हो गया कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मैप ड्रॉ करना है तो आप उसके लिए एक ऐसा बोर्ड ले सकते हैं, इंडिया पॉलिटिकल मैप का, जिससे आपको ईजी होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मैप नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप इसके जगह पे प्रैक्टिस मैप यूज़ कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल है, रफ में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये मैप यूज़ कर रही हूँ, आप वो चाहें तो प्रैक्टिस मैप भी यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक एटलस लिया, इससे आपको इजी होगा लर्न करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग अपने इंडिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड दिल्ली अब नहीं है हमारे स्टेट, यूनियन टेरिटरी में चेंज हो चुके हैं, तब हम लोग इसे नहीं लर्न करेंगे। कब बहुत लोगों ने, मैं अभी भी देखती हूँ, उन्हें जब बोला जाता है कि आप 28 स्टेट बोले तो लोग जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं, पर नहीं, आपको हिमाचल प्रदेश से शुरू करना है, क्योंकि वो इन। फ्रेंड्स, आप लोग कभी भी जम्मू कश्मीर नहीं बोलेंगे, जब भी शुरुआत करना होगा तो हिमाचल प्रदेश से। तो हम लोग लाइन वाइज लाइन करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला 5 पार्ट्स में, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम लोग नॉर्थ लर्न करेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट लर्न करेंगे, देन साउथ, देन वेस्ट एंड देन मिडिल पार्ट्स ऑफ आर इंडिया। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश लर्न करेंगे, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम लोग लाइन वाइज में आते हैं तो पंजाब आता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो हम लोग उसका नाम नहीं लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको जिस वे से बता रही हूँ, अगर आपने इस मैप को अपने माइंड में फिगर ले लेंगे तो बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप 1 वीक से अंडर भी इसको कवर कर लेंगे जल्दी ही, फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वे को फॉलो करेंगे और इसे डेली लर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। जस्ट फ्रेंड्स, वी हैव टेकन अ नॉर्थ फ्रॉम ओवर हियो, देन ओवर दिस विल बी has been of north. Now we will come to northeast. So first, we know these states as a 7 sisters. So we will learn first 7 sisters. Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, मिजोरम। ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा 7 sister, ये मेनली बहुत पूछा जाता है। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, देन फ्रॉम देयर ओनली त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम। सो फ्रेंड्स, हम लोग बे ऑफ बंगाल आ जाता है, पश्चिम बंगाल इधर आ गया, वेस्ट बंगाल नॉर्थ में आता है। फ्रेंड्स, हम लोग इसे इधर ईस्ट में नहीं लेंगे, और ना ही झारखंड या बिहार ईस्ट में ये नॉर्थ में आता है, नॉर्थ ईस्ट में यही स्टेट्स हैं जो मैंने नाम बताया। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग साउथ से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग साउथ में महाराष्ट्र नहीं लेते, पर ये ईजी वे होगा अगर आप लर्न कर ले महाराष्ट्र भी। तो फिर भी आपको ईजी होगा अगर आप महाराष्ट्र ले रहे हो, तो चलिए हम लोग महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। जस्ट फ्रेंड्स, उड़ीसा हम लोग को नहीं लेना है, क्योंकि वो आता है नॉर्थ में। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक बार रिपीट करवाती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
छत्तीसगढ़। फिर फ्रेंड्स ये हमारे हो गए पूरे नॉर्थ के। अब हम लोग बात करते हैं वेस्ट के, स्टार्टिंग विथ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जस्ट दे ऑल आउट ऑफ मिडिल में होते हैं। फ्रेंड्स मैंने जो वे से आपको बताया है ये बहुत ईजी वे है, अगर आप इसे ऐसे लर्न करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। आप चाहेंगे तो एक रफ वर्क यूज़ कर सकते हैं इसके लिए फ्रेंड्स, और फिर ये बहुत ईजी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको एक दिन में पूरे मैप लर्न करें फ्रेंड्स, आप वन डे में नॉर्थ का याद करिए, फिर वन डे में नॉर्थ ईस्ट का याद करिए, देन अनदर डे साउथ, वेस्ट, मिडिल। सो फ्रेंड्स ये अगर आप ये फॉलो करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आप रफ मैप ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इससे रिलेटेड आपको मैप से एक और चीज़ बता देती हूँ कि फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंडिया नॉर्थ में आता है, इसलिए हमारा इंडिया से इक्वेटर नहीं गुजरता। सर बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे इंडिया से इक्वेटर गुजरता है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बिल्कुल नहीं। हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, विच वी नो एज कर्क रेखा हिंदी में। फ्रेंड्स वो 8 स्टेट से गुजरता है, मैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। फ्रेंड्स आप सोचेंगे ये 7 स्टेट हुआ, हाँ फ्रेंड्स मैं आपको ज़्यादा क्लियर कर दूँ कि राजस्थान भी आता है। फ्रेंड्स ये यहाँ से अगर आप देखें ये गुजरते हैं तो राजस्थान में या मध्य प्रदेश में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आता है राजस्थान में। बहुत लोग बोलते हैं नहीं राजस्थान में नहीं आता, बिल्कुल कहते राजस्थान आता है। तो मैं काउंट करवा देती हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स ये थे आज हमारे स्टेट के बताने वाले। फ्रेंड्स मैंने ये लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ स्टेट के लिए मांगा था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यूनियन टेरिटरी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ आप यूनियन टेरिटरी को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको क्लियर करवा दूँ, 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। फर्स्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, दादर नगर हवेली। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव हैज़ बीन एक हो चुके हैं वो लोग। तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, 8 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। तो ये हो गए हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज। फ्रेंड्स आप इसको भी 8 यूनियन टेरिटरी को एक रफ वर्क यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसको स्टेट और यूनियन टेरिटरी को क्लियर करने के लिए मैं आपका एक हेल्प कर सकती हूँ, मैं भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स आई होप कि आपको थोड़ा हेल्प करेगा याद करने में। आप इसे डेली देखिएगा, इस वीडियो के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं, फिर आप इसे नोट डाउन करके आप अपने स्टडी रूम या फिर कहीं पे भी जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे इसे स्टिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताता हूँ, रफ मैप ज़रूर ड्रॉ करिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा मैप लर्न करने में। और जैसे कि मैंने आपको बोला 5 पार्ट्स में डिवाइड करके ही याद करिएगा, और वन डे में मैंने ये नहीं कहा कि सारे याद करने, वन डे में सिर्फ नॉर्थ का, फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वैसे ही याद करिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो, आई विल बी नेक्स्ट विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा शेयरिंग कंट्रीज बॉर्डरिंग, मीन लाइक जो बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ उनके लिए। तो फ्रेंड्स अब के लिए बाय बाय, वी विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडिंग।